हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। मैं बता दूं कि जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, प्यार इन द सेंस आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है। जो मैंने फ़ोन नंबर दिया था उस पर बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं, जो मेरे नोन हैं उनका भी, जो मेरे हस्बैंड के नोन हैं उनका भी, और मेरी एक फ्रेंड का वीडियो देखने के बाद मेरे पास कॉल आया और उसने एक चंडीगढ़ के एनजीओ से अरेंज करवाया है नंबर कि वो लोग हमारा हेल्प करेंगे। तो हर एक उस इंसान को जिसने ये वीडियो को पूरा देखा और हर एक उस इंसान को जिसने शेयर किया और जिसने हमारी हेल्प करने की भी किसी भी तरीके से कोशिश की, सबको बहुत सारा दिल से धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि खतरा अभी बिल्कुल भी टला नहीं है। ये है कि आपके हेल्प से इतना असर हुआ है कि जो एडमिट थे, आईसीयू में थे, उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी, कल उनको आईसीयू से शाम को बाहर ले आया है। आप लोगों के सपोर्ट से ही हुआ है। जिसने भी हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट किया है वीडियो देखने के बाद या किसी के फ़ोन कॉल से या मेरे मैसेज को देख के, मेरी कम्युनिटी को देख के या मेरे हस्बैंड के स्टेटस को देख के या जिस भी तरीके से आप लोगों ने हेल्प करी है, तो यह से आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो बहुत सारा थैंक्स मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से, और जो एडमिट हैं वो मेरे कज़न सिस्टर के देवर हैं, उनकी पूरी फैमिली की ओर से बहुत सारा थैंक्स। और मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लिया है, बल्कि हम उनको ऑफ़र भी कर रहे थे, आगे से ऑफ़र कर रहे थे कि प्लीज़ आप पैसा ले लीजिए या आप आने जाने का किराया ले लीजिए, उन्होंने बिल्कुल आगे सामने से मना कर दिया है। तो ऐसे लोगों को तो बिग सल्यूट है, थैंक्स बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आपका तो एहसान हम कभी भी उतार नहीं सकते हैं। आपके लिए मैं और मेरी फैमिली और जो जिनको आपने ब्लड दिया है उनकी फैमिली, ज़िंदगी भर आपकी फैमिली के लिए आपके लिए दुआ करेंगे कि भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर, अपने आपके परिवार के ऊपर बनाए रखे। और दूसरी चीज़ ये है कि खतरा भी बिल्कुल भी टला नहीं है। लिवर उनका अभी डोनेट नहीं हुआ है, मे बी संडे या सैटरडे को उनका ऑपरेशन होगा। तो लिवर भी उसी का ही चाहिए जिसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो। अभी तक ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई भी लिवर देने को रेडी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं से हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक अरेंज नहीं हुआ है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि कोई ओ नेगेटिव वाला लिवर डोनेट करने को अगर रेडी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपका बहुत भला होगा। मतलब जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो जाता है, डेली उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए, तो 3 लोग आज भी गए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली के डेली ब्लड अरेंज करने का। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, जिस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, किसी एनजीओ को शेयर व्यवस्था करवा सकते हैं, किसी ऐसे जगह शेयर कर सकते हैं ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, जैसे कॉलेज, कोई कॉलेज का ग्रुप है या कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ मतलब कि ऐसे ज़्यादा लोग रहते हों। अपना काम छोड़ करके आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि कल भी वीकेंड नहीं था, आज भी वीकेंड नहीं है, तो किसी को छुट्टी नहीं है और अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी हैं। तो अपना काम छोड़ करके अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रख रहे हैं, हम आगे से ऑफ़र कर रहे हैं फिर भी आप नहीं ले रहे हैं, तो इससे बड़ा बड़प्पन और इंसानियत की बात तो क्या ही होगी। तो ऐसे पता चलता है कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है कहीं ना कहीं। और यहाँ इनके रिलेटेड चंडीगढ़ के एनजीओ वाले से कल हमारी बात हुई है, अभी उनसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाएगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी। तो फिर से आपका दिल से थैंक यू और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस वीडियो की थंबनेल में भी पेशेंट का नाम, वार्ड नंबर, हॉस्पिटल और फ़ोन नंबर वगैरह सब आपको दे दूंगी और इस वीडियो के एंड में डॉक्टर से दिया हुआ सर्टिफिकेट भी मैं लगा दूंगी कि क्या हुआ है पेशेंट को, उनको लिवर की ज़रूरत क्यों है, उनको ब्लड की ज़रूरत क्यों है। और जिनको नहीं पता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्यों ब्लड के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मैं लिंक दे दूँगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी करने के लिए आपसे क्यों कह रही हूँ, उस वीडियो को देखें, आपको सारी बात का पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अगेन एडवांस में थैंक्स उन लोगों को जो इस वीडियो को शेयर करेंगे, जो इस वीडियो को देखेंगे और हमारी ज़रूरत को दूसरे किसी तक पहुँचाएँगे, जो हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे, उन सबको दिल से थैंक्स। टेक केयर एंड बाय बाय। भगवान आपको सुखी रखे, आपके परिवार को सुखी रखे और हमेशा अपना हाथ आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखे। धन्यवाद।